हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल था दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिफ्थ मॉड्यूल दैट इज द फ्लूइड फ्लोस। फ्लूइड फ्लोस में जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, अगर आपको अभी भी डाउट्स है कि कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और कौन से हम आगे कवर करेंगे, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस केस में आप हमारा जो वेरी फर्स्ट वीडियो था फ्लूइड मैकेनिक्स का वो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा सिलेबस एनालाइज किया था। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ मॉड्यूल दैट इज फ्लूइड फ्लो। आज फ्लूइड फ्लो में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के फ्लोज होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्लोज को स्टडी करेंगे हम अलग अलग कंडीशंस में, जिसमें आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज आइडियल फ्लूइड फ्लो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आइडियल फ्लूइड फ्लो। तो चलिए देखते हैं आइडियल फ्लूइड फ्लो। आइडियल फ्लूइड फ्लो समझने से पहले हम जानते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है, ओके, डेंसिटी कॉन्स्टेंट होती है, यानी कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और साथ ही साथ इनविस्किड होता है, यानी कि उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू जो होती है दैट इज जीरो। सो अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्किड, सच अ फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड, ओके, सच अ फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होगा? आइडियल फ्लूइड फ्लो ऐसे फ्लो को बोलेंगे जिसमें जो होगा फ्लो वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि अलॉन्ग द फ्लो जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी और जिसमें म्यू इज इक्वल टू, यानी कि म्यू की वैल्यू जीरो होगी। तो हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ से हम जानते हैं टाउ दैट इज शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। सो हम बोले कि आइडियल फ्लूइड के लिए जो फ्लूड होता है उसकी डेंसिटी, सॉरी उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू जीरो, ओके। चाहे वो फ्लूड फ्लो हो रहा हो, यू की वैल्यू हो सकती है, वाई की वैल्यू भी हो सकती है, डी यू बाई डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आइडियल फ्लूड, ओके। आइडियल फ्लूड फ्लो के लिए डी यू बाई डी वाई जो है डैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्योंकि फ्लूड इनविस्किड है डैट्स वाई म्यू जीरो हो रहा है एंड फाइनली हमको जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है दैट इज जीरो। सो ऐसा फ्लो जिसमें विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है, ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम आइडियल फ्लूड फ्लो, ओके। सो आइडियल फ्लूइड फ्लो के प्रॉब्लम को पढ़ना क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि आइडियल फ्लू होता है दैट इज हाइपोथेटिकल फ्लूड और जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? सो ये इसलिए स्टडी करते हैं, देखिए कि कब कोई फ्लो आइडियल फ्लो होगा इसको समझते हैं। जैसे कि कोई एक सरफेस लेता हूं मैं, ठीक है। अब इस सरफेस पे कोई फ्लूड किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है दैट इज यू इनफाइनाइट, ओके। तो क्या होगा इफ आई फॉलो नो स्लिप कंडीशन? हमने ये सारी चीजें लास्ट वीडियोस में पढ़ी हुई हैं। नो स्लिप कंडीशन यानी कि नुड्सन नंबर शुड बी लेस देन 0.01। तो नो स्लिप कंडीशन में ये होता है कि जो सबसे पहला पार्टिकल आता है सरफेस के कांटेक्ट में, वो जो लेयर होती है वो लेयर इस सॉलिड बाउंड्री से स्टिक हो जाती है और उस लेयर की जो वेलोसिटी होती है दैट बिकम्स जीरो। सो जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इस वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई डायरेक्शन चेंज होती जाती है, ओके। सो यहाँ पर हमको वेलोसिटी प्रोफाइल मिलती है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट के बाद जो यू की वैल्यू होती है डैट बिकम्स 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यू इन्फिनिटी इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ओके। सो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पे यू की वैल्यू 99% ऑफ यू इनफाइनाइट हो जाती है। इस पॉइंट के बाद जब हम और फर्दर मूव करते हैं इन वाई डायरेक्शन तो जो यू की वैल्यू होती है दैट बिकम्स इक्वल टू यू इनफाइनाइट, और जब और आगे जाते जाएंगे तो फिर फर्दर कोई भी चेंज नहीं होगा यू इनफाइनाइट, यू की वैल्यू में। तो मैं एक अगर कर्व प्लॉट करूं तो मुझे ऐसा मिल रहा है एक सर्टेन रेंज जिसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोफाइल मिल रही है एंड आफ्टर दैट वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, ओके, ठीक। और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो वेलोसिटी की यानी कि यू की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट। तो ऐसे पॉइंट्स जिन पॉइंट पे यू इज इक्वल टू 99% ऑफ यू इनफाइनाइट है, ऐसे सारे पॉइंट को मैं अगर ट्रेस करूँ, ये इस तरह से ट्रेस करूँ और उनसे गुजरता हुआ एक इमेजनरी लाइन बनाऊँ, एक इमेजनरी सरफेस बनाऊँ, तो ये सरफेस या ये लेयर कहलाती है बाउंड्री लेयर, जिसको हम इस मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं आगे जा करके, ओके, इसको कहते हैं बाउंड्री लेयर। सो बाउंड्री लेयर ही वो रीजन होता है जिसके अंदर हमारा जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट इज डी यू बाई डी वाई ये एग्जिस्ट करता है। इस बाउंड्री लेयर के बाहर
क्योंकि यू की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, दैट्स वाई यहाँ पर इस रीजन में, बाहर के रीजन है, बाउंड्री लेयर के बाहर के रीजन के लिए डी यू बाई डी वाई जो होता है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दिस बिकम्स जीरो, ये जीरो हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी ये बताना चाह रहा है कि अब वाई डायरेक्शन में जो यू है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये कंडीशन मैं बोलूँ अगर किसी रियल फ्लूड की है, मैंने जो अभी आपको सिचुएशन समझाई है, अगर मैं किसी रियल फ्लूड के लिए भी इम्प्लीमेंट करूँ तो हो क्या रहा है, देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पर आपको डी यू बाई डी वाई की वैल्यू मिल रही है, और क्योंकि फ्लूड रियल है मतलब उसके लिए म्यू एग्जिस्ट करेगा, उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू होगी, लेकिन जब हम बाउंड्री लेयर के बाहर जा रहे हैं तो डी यू बाई डी वाई जीरो हो जा रहा है। सो फॉर अ रियल फ्लूड आई कैन राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, tau is equal to mu du by dy। अब म्यू तो जीरो नहीं है रियल फ्लूड के लिए, आइडियल फ्लूड के लिए म्यू जीरो होता है, लेकिन रियल फ्लूड के लिए म्यू जीरो नहीं है, बट डी यू बाई डी वाई जीरो हो गया, तो फाइनली हमको क्या मिला, tau is equal to zero। तो यहाँ पर हमको वही सिचुएशन मिल रही है जो सिचुएशन हमको यहाँ मिली थी। ये चीज़ें हम पास्ट वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर भी उस चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो tau is equal to zero मिल गया मुझे रियल फ्लूड के लिए भी, कब, जब मैं बाउंड्री लेयर के बाहर की जगह पे हूँ। सो बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर वो रीजन है जिसमें फ्लूड्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होती है, और बाउंड्री लेयर के बाहर कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, दैट्स व्हाई डी यू बाई डी वाई वहाँ पर जीरो आता है। सो जब हम लोग बाउंड्री लेयर के बाहर के फ्लो की डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम देख रहे हैं कि जो रियल फ्लूड का बिहेवियर है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू द आइडियल फ्लूड फ्लो। सो उस सिचुएशन को हम लोग जब डील करेंगे तो हमको आइडियल फ्लूड का बिहेवियर, वो किस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को फॉलो करता है, वो अगर हमको पता होगा तो जो रियल लाइफ सिचुएशंस होगी उसको स्टडी करने में हमको मदद होगी। सो दैट्स व्हाई आइडियल फ्लूड वैसे तो इन नेचर नहीं होता है, लेकिन आइडियल फ्लूड फ्लो हम लोग रियल फ्लूड्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी एसेंशियल टू स्टडी आइडियल फ्लूड फ्लो। सो मैं लिख सकता हूँ, फॉर एन आइडियल फ्लूड फ्लो, फर्स्ट पॉइंट लिख सकता हूँ tau इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस दो जगहों पे हो सकती है किसी भी फ्लो में। पहला देखो, किसी भी लिक्विड को या किसी भी फ्लूड को अगर फ्लो होना है सो इट नीड्स अ पैसेज, और जो पैसेज होता है वो जनरली किसी सॉलिड सर्फेस से बना होता है। तो यहाँ पर दो जगह आपके फ्लूड फ्लो में हमको शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है, एक होता है विद इन द फ्लूड एलिमेंट्स, यहाँ पर जो फ्लूड होगा उसके खुद के फ्लूड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर हमको इंटरप्लेनर शेयर स्ट्रेस मिलेगा। दूसरा मिल सकता है जो कन्फाइनिंग वॉल्स है जिसने उस फ्लूड को कंटेन करके रखा हुआ है उसके सर्फेस पर, यानी कि बाउंड्री पर मिल सकता है। तो जो शेयर स्ट्रेस है वो दो जगह हो रहा है, तो मैं लिख देता हूँ इसको फ्लूड पार्टिकल्स के लिए tau p, दैट इज शेयर स्ट्रेस विद इन द पार्टिकल्स एंड शेयर स्ट्रेस फॉर द बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री। तो हमको याद रखने के लिए, अगर फ्लूड आइडियल फ्लूड फ्लो है सो इन केस में tau, इन दिस केस tau p विल बी इक्वल टू जीरो एंड tau b विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ना तो किसी पार्टिकल के बीच में शेयर स्ट्रेस होगा और ना ही फ्लूड और वॉल के बीच में कोई शेयर स्ट्रेस होगा। सो क्योंकि अब tau जीरो हो गया है सो देयर विल ओनली वन स्ट्रेस, देयर विल बी ओनली वन स्ट्रेस, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। सो देयर विल बी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूड। ओके, देयर विल बी ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द फ्लूड, और हम जानते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फ्लूड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उसी के ये बराबर होगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। सो सेकेंड पॉइंट ये है इसके बारे में कि हमने तो देख लिया कि ना ही जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई शेयर स्ट्रेस है, ना ही बाउंड्री में कोई शेयर स्ट्रेस है, यानी कि फ्लूड एलिमेंट पे जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस एंड दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट पॉइंट। तो जो बाउंड्री में अब जो प्रेशर लगेगा बाउंड्री पे जो फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ओके और द सॉलिड बॉडी ड्यू टू फ्लूड,
ये जो फोर्स होगा ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होगा. ओके, सो दिस फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस. फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी आइडियल फ्लूड फ्लो के लिए. हमने जो फ्लूड काइनेमेटिक्स का जब मॉड्यूल क्लियर किया था उस मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि किसी भी आइडियल फ्लूड के लिए जो कंटिन्यूड इक्वेशन है वो होता है डेल डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो. ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन. ओके, फॉर एन आइडियल फ्लूड. दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूड. अब देखिए, अगर कुछ कुछ जो पॉइंट्स हमने काइनेमेटिक्स से पढ़े थे उसको यहाँ रिकॉल करना बहुत ही जरूरी है, तो वो पॉइंट्स मैं आपके लिए रिकॉल कर रहा हूँ. ठीक है, सो देखिए, अगर कोई भी वेलोसिटी फील्ड कंजर्वेटिव है, यानी कि डेल क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कर्ल ऑफ वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव वेलोसिटी वेक्टर फील्ड. और अगर वेलोसिटी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है सो उस केस में हम वेलोसिटी वेक्टर वी को एक स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के टर्म लिख सकते हैं. दैट इज वेलोसिटी वेक्टर वी विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, एंड दिस स्केलर फंक्शन इज नोन एज पोटेंशियल फंक्शन. ओके, इसको हम पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं. अब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो फाई फाइंड आउट करने पे फोकस करती है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच फोकस ऑन फाइंडिंग फाई, यानी कि पोटेंशियल फंक्शन को हम जो फाइंड करने का जो भी मैथमेटिक्स है उस ब्रांच को हम बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो थ्योरी. ओके, नाउ पोटेंशियल फ्लो थ्योरी उस ब्रांच को हम बोलते हैं. ठीक है, अब फाई अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फाई कब एग्जिस्ट करता है व्हेन कर्ल ऑफ वेक्टर वी इज जीरो. ये भी मैंने बताया था कि डेल क्रॉस वेक्टर वी को हम लोग वोर्टिसिटी भी बोलते हैं. ओके, वोर्टिसिटी भी बोलते हैं. और जब डेल क्रॉस वेक्टर वी आपका जीरो होता है उस केस में जो फ्लूड होता है उसका फ्लो होता है इरोटेशनल होता है. तो क्वेश्चन आता है कभी भी गेट ईएस में अगर कि व्हाट इज द फंडामेंटल कंडीशन और द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ इरोटेशनल फ्लो, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज डेल क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो. अगर डेल क्रॉस वेक्टर वी इज इक्वल टू जीरो है, इन दैट केस फाई एग्जिस्ट करता है. अब अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो हमने देखा था यू इज इक्वल होता है माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स, वी इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई बाई डेल जेड, जहां यू वी और डब्ल्यू जो हैं दे आर द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर वी. ओके, यू वी डब्ल्यू स्केलर कंपोनेंट्स है वेलोसिटी वेक्टर वी की अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. सो मैं यहां से पोटेंशियल फंक्शन के टर्म में लिख सकता हूं डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो. यहां पर जो डेल स्क्वायर है इसको बोलते हैं हम लैप्लासियन ऑपरेटर, और जो ये गिवन इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन. ओके, अगर फाई एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर फ्लो के लिए तो वो पर्टिकुलर फ्लो लाप्लास इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है. तो हमने यहाँ से तीन पॉइंट देखा था, तीन पॉइंट हमको हमारे पास बन रहे हैं. पहला पॉइंट तो ये कि फाई जब एग्जिस्ट करता है तो फ्लो इरोटेशनल होता है. दूसरा, जो ये इक्वेशन आया था डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, ये आया था हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से. कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम लोग जब यू वी और डब्ल्यू की वैल्यूज को जब फाई के टर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आता है लाप्लास इक्वेशन. और ये लाप्लास इक्वेशन उन एजम्पशन को जरूर फॉलो करेगा जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन ने किया. तो कंटिन्यूटी इक्वेशन प्लस लाप्लास इक्वेशन को मिलाकर के तीन एजम्पशन हमारे पास बने. फर्स्ट ये है कि जो फ्लो है फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, ये एक एजम्पशन बना. दूसरा एजम्पशन बना फ्लो इज स्टेडी. ये जो दो एजम्पशन है
फ्लो, दैट इज फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टेडी. ये दो इक्वेशन है हमारे, ये जो दो एजम्पशंस है हमारे, दैट इज फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन. नाउ तीसरा बना हमारे पास फ्लो इज इरोटेशनल. फ्लो इज इरोटेशनल. अब ऐसा फ्लो जो कि इनकम्प्रेसिबल होगा, जो स्टेडी होगा और जो इनरोटेशनल होगा, यानी कि इनकम्प्रेसिबल, स्टेडी एंड इरोटेशनल फ्लो इज नोन एज पोटेंशियल फ्लो. पोटेंशियल फ्लो दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ आइडियल फ्लूड फ्लो. देखिए, आइडियल फ्लूड फ्लो और पोटेंशियल फ्लूड फ्लो में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि आइडियल फ्लूड फ्लो जो है वो रोटेशनल भी हो सकता है और वो इरोटेशनल भी हो सकता है. लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली पोटेंशियल फ्लो बोलो किसी फ्लो को, तो वो इनकम्प्रेसिबल, स्टडी और इरोटेशनल भी होगा. तो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल फ्लो क्या होता है और उसको कितने टाइप के होते हैं, और उसके लिए जो भी आगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल फ्लो हैं, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ पोटेंशियल फ्लो. पोटेंशियल फ्लो, सो सबसे पहला होता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो. दूसरा होता है सोर्स फ्लो. तीसरा सिंक फ्लो. चौथा होता है आपका फ्री वॉर्टेक्स फ्लो. और पांचवा होता है आपके पास सुपर इम्पोज्ड फ्लो. ओके, तो ये पांच टाइप के हम लोग पोटेंशियल फ्लो स्टडी करने वाले, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स फ्लो, सिंक फ्लो, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो एंड सुपर इम्पोज्ड फ्लो. तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो कैसे फ्लो को कहते हैं? अगर आर की बात करूं, आर है सेट ऑफ फ्लूड प्रॉपर्टीज. आर सेट ऑफ फ्लूड प्रॉपर्टीज एंड वी है जो आपका, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लो है. सो अगर फ्लूड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो स्पेस के फंक्शंस नहीं है, मतलब स्पेस के साथ, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इफ वी टॉक अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो किसी भी डायरेक्शन में आर और वी, दैट इज फ्लूड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो. तो अगर यहाँ पर आर और वेक्टर वी इज नॉट फंक्शन ऑफ स्पेस, तो लिख सकता हूँ डेल वी बाय डेल स्पेस इक्वल टू जीरो एंड डेल आर बाय डेल स्पेस इज इक्वल टू जीरो. यानी कि जो आपकी फ्लूड प्रॉपर्टीज और फ्लूड की वेलोसिटी जो है, दैट इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस. तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो. यूनिफॉर्म फ्लो में जो फ्लो होता है, यानी कि फ्लो की जो वेलोसिटी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ चेंज होती है, स्पेस के साथ चेंज नहीं होती है. ठीक है, अब यहां पर हमने स्पेस की बात करी, यानी कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की बात करी. लेकिन क्या हो अगर फ्लो कुछ इस तरह से हो कि किसी एक डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सपोज एक्स डायरेक्शन के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. सो किसी में टू डायमेंशन की बात करूं, एक्स और वाई डायमेंशन की बात करूं, तो दो केसेस पॉसिबल हैं. फर्स्ट ये हो सकता है कि फ्लो इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म फ्लो इन वाई डायरेक्शन, यानी कि जो फ्लो है वो वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है. और सेकेंड हो सकता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो इन एक्स डायरेक्शन. अब यूनिफॉर्म फ्लो इन वाई डायरेक्शन और यूनिफॉर्म फ्लो इन एक्स डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं. यूनिफॉर्म फ्लो इन वाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो फ्लो है वो वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, फ्लो जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, उसका कोई वाई कंपोनेंट है ही नहीं. सेकेंड, फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, यानी कि फ्लो जो है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स के, अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट्स पे जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी सेम है. वेलोसिटी सिर्फ तब चेंज होगी जब हम वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं. तो ये मतलब होता है यूनिफॉर्म फ्लो इन एक्स डायरेक्शन का. तो चलिए इसको स्टडी करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम यूनिफॉर्म फ्लो इन वाई डायरेक्शन. यूनिफॉर्म फ्लो, सो जब फ्लो यूनिफॉर्म होता है इन वाई डायरेक्शन, तो फ्लो जो होता है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रहा है. तो इस केस में सिर्फ उसका एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन. सो देयर विल बी ओनली यू कंपोनेंट. अगर फ्लो सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी हम सिर्फ देखेंगे यू में, यानी कि एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो स्केलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो बस होगा, दैट इज यू. सो हम जानते हैं यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, u होगा, दैट इज द फंक्शन ऑफ x. जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन के अलॉन्ग चेंज होगी. नाउ
अगर ये जो फ्लो फील्ड है हमने हम देख रहे हैं, जो ये पर्टिकुलर टाइप देख रहे हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म फ्लो का, वो हम देख रहे हैं पोटेंशियल फ्लो के लिए। पोटेंशियल फ्लो क्या होता है? वो फ्लो जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, स्टडी होता है, साथ ही साथ इरोटेशनल होता है। तो क्योंकि फ्लो इरोटेशनल है तो इसके लिए हमारे पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके लिए स्ट्रीम फंक्शंस भी एग्जिस्ट करेंगे। सो इफ यू इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो मैं लिख सकता हूं यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स। ओके, माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल एक्स, जहां डेल, जहां जो फाई है, फाई इज द पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन। ओके, साथ ही साथ लिख सकता हूं u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल साई बाई डेल वाई, जहां साई जो है दैट इज द स्ट्रीम फंक्शन, दैट इज द स्ट्रीम फंक्शन। सो हम जानते हैं जो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको हम पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से आगे प्रोसीड करते हैं हम, तो लिख सकते हैं u इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेट करते हैं हम लोग, डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू यू। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब मैं ड्रॉ करता हूं यूनिफॉर्म फ्लो इन वाई डायरेक्शन। फ्लो जो है यूनिफॉर्म है इन वाई डायरेक्शन, तो उसकी जो पिक्चर है उसको मैं समझता हूं, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है मतलब किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए सारे वाई डायरेक्शन में जो u की वैल्यू होगी वो सेम होगी। सो यहाँ पर भी वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ सारे पॉइंट्स पे जो वेलोसिटी है वो सिर्फ आपके x डायरेक्शन में चेंज हो रही है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। इस तरीके की जो वेलोसिटी फील्ड है, लेट अस से इसकी जो, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज u इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए सारे वाई डायरेक्शन जब हम जा रहे हैं तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको जो वेलोसिटी है वो यू इनफाइनाइट ही मिल रही है, लेकिन जब हम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हर पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू के लिए यू की कोई अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ मिनिमम वैल्यू है यू की, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जो टोटल उसका मैग्नीट्यूड है दैट इज यू इनफाइनाइट। सो जब एक्स डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज के लिए हमको पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ यू मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u is equal to small u is equal to u infinite. Okay, if flow is uniform along y direction, so for uniform flow मैं लिख सकता हूँ u is equal to u infinite. Now यहाँ से del psi y del y is equal to u infinite, इसको मैं लिख सकता हूँ del psi is equal to u infinite into del y. अब इसको integrate करता हूँ तो आ जाएगा psi is equal to u इनफाइनाइट इंटू वाई प्लस सी वन। ओके, ये एक इक्वेशन मिला मुझे स्ट्रीम फंक्शन का। नाउ इफ y इज इक्वल टू जीरो, साई इक्वल टू भी जीरो होगा, सो फ्रॉम हियर आई विल गेट सी वन इक्वल टू जीरो। सो फाइनली मेरा जो स्ट्रीम फंक्शन है वो आ रहा है, स्ट्रीम फंक्शन साई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू वाई। ओके, u इनफाइनाइट इंटू वाई, ये मेरा आ गया स्ट्रीम फंक्शन। अब देखते हैं हम पोटेंशियल फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन। सो पोटेंशियल फंक्शन के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, सो हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू, यू की वैल्यू है u इनफाइनाइट, सो डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट। इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट एक्स प्लस सी टू। सिमिलरली वेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सो सी टू विल बी जीरो। सो यहाँ से आ रहा है फाई इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू एक्स। तो ये मिल गया हमको पोटेंशियल फंक्शन। सो हमको स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू मिली साई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू वाई, एंड पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू मिल गई फाई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू एक्स। अब हम जानते हैं किसी स्ट्रीम लाइन के लिए स्ट्रीम फंक्शन यानी कि साई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, साथ ही साथ किसी इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है। अब मैं इस फ्लो फील्ड पे वापस आता हूँ। सो ये फ्लो फील्ड है, ये फ्लो फील्ड का एक्स डायरेक्शन, ये फ्लो फील्ड का वाई डायरेक्शन है। सो इफ साई की इक्वेशन दैट इज साई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू वाई, इसके लिए मैं देखता हूँ जब वाई इज इक्वल टू जीरो है तो मुझे यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, एक लाइन का इक्वेशन मिलेगा विच इज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये मिला मेरे को एक लाइन। ठीक है, व्हेन वाई
इक्वल टू जीरो, मुझे साई इक्वल टू क्या मिल रहा है, साई इक्वल टू मुझे मिल रहा है जीरो। सिमिलरली व्हेन वाई इक्वल टू वाई वन, साई इक्वल टू क्या मिलेगा, यू इनफाइनाइट इंटू वाई वन, और ऐसा चलता जाएगा। वाई वन है एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नापी गई कोऑर्डिनेट्स। अब ये वाई वन क्या है, देखिए वाई वन उन पॉइंट्स की लोकेशन है जो एक्स एक्सिस से वाई वन डिस्टेंस पे है। सो अगर सारे मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस लूँ, सपोज ये पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से y1 है, तो उसके लिए साई इक्वल टू हो जाएगा साई वन, ओके, साई वन इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू वाई वन। सो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस मैं एक्स एक्सिस से y1 लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट लेट अस से पॉइंट ए, इस पॉइंट ए के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी साई वन। अब किसी फ्लो फील्ड में ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं जो एक्स डायरेक्शन से वाई वन डिस्टेंस पे हो, तो सभी की डिस्टेंस क्योंकि जो एक्स डायरेक्शन से उससे वाई वन है ना, तो वाई वन डिस्टेंस से मौजूद जितने पार्टिकल्स होंगे उन सभी के लिए स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू साई वन होगी। अब हम जानते हैं कि ऐसे पॉइंट्स को ड्रॉ करने, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जिन पॉइंट्स पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सेम हो, उसे हम इक्वी स्ट्रीम फंक्शन लाइन या स्ट्रीम लाइन कहते हैं। यानी कि स्ट्रीम लाइन वो लाइन है जो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनके लिए स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मैंने वैसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जिनके लिए स्ट्रीम फंक्शन सेम था उसे मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे एक लाइन मिली, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज़ साई वन। इस लाइन के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन है उसकी वैल्यू साई वन है। इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सबके लिए वाई इक्वल टू वाई वन है और साई इक्वल टू साई वन है। सो दिस इज अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। सिमिलरली मैं दूसरे किसी भी लोकेशन के लिए नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन ज्वाइन कर सकता हूँ। ऐसे पॉइंट जो वाई टू डिस्टेंस पे होंगे उनके लिए मैं दूसरी स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जिसके लिए स्ट्रीम फंक्शन होगा साई टू। सो पूरे फ्लो फील्ड के लिए मैं अलग अलग डिस्टेंस वाई की अलग अलग वैल्यू पे स्ट्रीम लाइन्स मैं प्लॉट कर सकता हूँ। तो ये सारे मिल गए स्ट्रीम लाइन्स, दिस इज साई टू, साई थ्री, साई फोर, साई फाइव, साई सिक्स एंड सो ऑन, ये सारे के सारे स्ट्रीम लाइन्स हैं। हम जानते हैं स्ट्रीम लाइन किसी फ्लो फील्ड में ड्रॉ की गई वो इमेजनरी लाइन है जिस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्लूड की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो हमने देखिए जब यूनिफॉर्म फ्लो अलॉन्ग वाइड एक्सिस लिया था तो हमने देखा था कि जो फ्लूड है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो फ्लूड है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया ये भी एक्स डायरेक्शन की तरफ ही इशारा कर रहा है, यानी कि दिस इज अ स्ट्रीम लाइन। ओके, सो ये मुझे पूरे फ्लो फील्ड के लिए स्ट्रीम लाइन मिल गया। दूसरा मैंने देखा पोटेंशियल फंक्शन, सो जैसे मैंने स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करी वैसे ही एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए, फॉर एक्स इक्वल टू एक्स वन, फॉर एक्स इक्वल टू एक्स वन साई इक्वल टू मिलेगा साई वन, यानी कि ऐसे पार्टिकल जो कि वाई एक्सिस से एक्स वन डिस्टेंस पे हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी साई वन, ठीक है। अब ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे हो, y एक्सिस से सपोज x1 डिस्टेंस में ये ले लिया x1 डिस्टेंस, y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है m, ओके। अब ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो y एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे हो, सभी के लिए जो पोटेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू आएगी साई वन, फाई वन सॉरी, जितनी पोटेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू आएगी फाई वन। सो ये जो ऐसे पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने पर जो मुझे कर्व मिलेगा या जो लाइन मिलेगी दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। वापस जाते हैं इक्विपोटेंशियल लाइन के डेफिनेशन में, इक्विपोटेंशियल लाइन उन लाइंस को कहते हैं जो उन पॉइंट्स से होकर के गुजरता है जिस पर पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एम पे और एन पे जो पोटेंशियल फंक्शन है फाई, फाई की वैल्यू सेम है, दैट इज फाई वन। सो ऐसे लाइंस को मैं जब ऐसे पॉइंट्स जब मैं किसी लाइन से ड्रॉ करूंगा तो मुझे एक लाइन मिलेगी दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। सो दिस इज, और इस लाइन के अलॉन्ग सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल फंक्शन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एंड दैट विल बी फाई वन, ओके, फाई वन। वैसी एक्स टू लोकेशन में मुझे मिलेगा फाई टू, वैसी आगे मिलते जाएगा फाई थ्री एंड फाई फोर। सो इस तरीके से मुझे यूनिफॉर्म
फ्लो के लिए जो स्ट्रीम लाइन्स है और इक्विपोटेंशियल लाइन है वो मिलेंगी। और हम जानते हैं जो स्ट्रीम लाइन होता है और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है ये दोनों एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी कि दोनों के बीच जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दैट इज 90 डिग्री। अब देखते हैं यूनिफॉर्म फ्लो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, यानी कि जो फ्लो है वो एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में जो वेलोसिटी होगा उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, दैट इज वी। ओके, एंड वी विल बी दी फंक्शन ऑफ वाई, जो वेलोसिटी है वो वाई के साथ चेंज होगी। अब हम जानते हैं वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई बाई डेल वाई एंड इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल साई बाई डेल एक्स। वी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई एंड इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। ये रिलेशनशिप हम जानते हैं ये स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन के बीच में। सो अब इसको हम लोग एक एक करके एक एक टर्म को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी। अब क्योंकि जो फ्लो है दैट इज यूनिफॉर्म अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो उसका प्लॉट कुछ इस तरह से बनेगा कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ चेंज होगा वाई डायरेक्शन में। सो जस्ट उसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा कुछ इस तरह से बनेगा, दिस इज द इनफिनिट दैट इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। और यहां से हम देख सकते हैं जो एक्स डायरेक्शन में है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। सो दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, सो अगर वाई डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो चेंज हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड जो है यू इनफाइनाइट है, सो आई कैन राइट वी इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल साई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू डेल एक्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा साई इज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू एक्स प्लस सी वन। एट एक्स इक्वल टू जीरो साई इक्वल टू हो जाएगा जीरो, सो सी वन ऑल्सो भी जीरो। तो साई आ गया आपका यू इनफाइनाइट इंटू एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रीम फंक्शन। सिमिलरली जो रिमेनिंग टर्म्स है ये वाले, इसको इक्वेट करते हैं तो आ जाएगा माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू वी। वी की वैल्यू है यूनिफाइनाइट, ये आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा फाई इज इक्वल टू माइनस यू इनफाइनाइट इंटू वाई प्लस सी टू। एट वाई इज इक्वल टू जीरो फाई इक्वल टू जीरो होगा, सो सी टू इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मिल गया हमको फाई इक्वल टू माइनस यू इनफाइनाइट इंटू वाई। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल फंक्शन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। सो हमको मिला स्ट्रीम फंक्शन साइज इक्वल टू यू इनफाइनाइट इंटू एक्स एंड पोटेंशियल फंक्शन मिला हमको फाई इज इक्वल टू माइनस यू इनफाइनाइट इंटू वाई। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई ऐसा पार्टिकल है जो वाई एक्सिस से एक्स वन डिस्टेंस पे, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स वन है, तो मुझे स्ट्रीम फंक्शन मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए साई इक्वल टू साई वन। अब जो फ्लो फील्ड है उसमें ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो कि वाई एक्सिस से एक्स वन डिस्टेंस पे है, और उन सारे पॉइंट्स के लिए जो स्ट्रीम फंक्शन होगा दैट विल बी साई वन। ठीक है, अब सारे ऐसे पॉइंट जिनको जिन पे जो स्ट्रीम फंक्शन है वो सेम होता है उनको ज्वाइन करने पे जो हमको लाइन मिलती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन, है ना। स्ट्रीम लाइन ऐसी लाइन होती है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिन पे स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सेम हो। सो सारे पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा एक स्ट्रीम लाइन दैट इज साई वन। साई वन उस स्ट्रीम लाइन के लिए स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू होगी। सिमिलरली जो पॉइंट्स x2 डिस्टेंस पे होंगे उसके उन सारे पॉइंट्स पे मुझे जो स्ट्रीम फंक्शन है उसकी वैल्यू साई टू मिलेगी, और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे मुझे स्ट्रीम लाइन मिलेगी। सो दिस इज सेकेंड स्ट्रीम लाइन जिसके लिए स्ट्रीम फंक्शन साई टू है। सो इस तरह से मुझे स्ट्रीम लाइन्स मिलती जाएंगी जिनके लिए स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली साई थ्री साई फोर साई फाइव एंड सो ऑन ऐसा है। ठीक है, नाउ अब ड्रॉ करेंगे हम इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिन पर जो पोटेंशियल फंक्शन फाई होती है उनकी वैल्यू सेम हो। सो ऐसे फ्लो फील्ड में ऐसे पॉइंट्स जिनकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेट अस से वाई वन है, सो एट वाई इक्वल टू वाई वन जो फाई आएगा दैट विल बी फाई वन। ओके, सो कोई एक पॉइंट जिसका x एक्सिस से डिस्टेंस y1 है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल फंक्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई वन। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो x एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे होंगे, सारे पे जो पोटेंशियल फंक्शन होगा वो फाई वन होगा। ऐसे पॉइंट्स जिन पे पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू सेम हो उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगी दैट इज इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन के अलॉन्ग फाई कांस्टेंट रहता है तो मुझे ये मिल जाएगा। अब ये जो फंक्शन है उसमें सामने निगेटिव है, देखिए फाई इक्वल टू माइनस
u इनफाइनाइट इंटू y, ये बता रहा है कि जो phi का डायरेक्शन है दैट इज अलॉन्ग नेगेटिव x डायरेक्शन. सो ये इसका डायरेक्शन होगा, दिस विल बी phi 1, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम phi 2, phi 3, ये सारे इक्विपोटेंशियल लाइन है जिनके लिए पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू phi 1, phi 2, phi 3 है. ठीक है, तो ये मिल गया आपको इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो अलोंग एक्स डायरेक्शन. अब जब हम लोग स्ट्रीम लाइन्स और इक्विपोटेंशियल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो सारे जो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे आने की ऑर्थोगोनली कट करते हैं. अब किसी भी पर्टिकुलर फ्लो फील्ड के लिए जब हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो हमको एक ग्रिड लाइक डायग्राम मिलता है. जो डायग्राम दिख रहा है किसी जाली की जैसा दिख रहा है, ग्रिड की तरह दिख रहा है. तो ये जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं हम फ्लो नेट. ओके, इसको बोलते हैं फ्लो नेट. सो फ्लो नेट इज अ ग्रिड लाइक डायग्राम विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन फॉर अ गिवन फ्लूइड फ्लो. ठीक है, जो ये फ्लो नेट का जो टॉपिक होता है ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब आप जियोटेक करते हो तो उसमें फ्लो नेट के साथ आपको डील करना होता है. सो आई थिंक आपको फ्लो नेट समझ आ गया होगा. फ्लो नेट एक ऐसा डायग्राम है जो हमको तब मिलता है जब हम इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन्स को पर्टिकुलर किसी फ्लो के लिए ड्रॉ करते हैं. सो हमारा जो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है. आई थिंक आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आज का जो पोटेंशियल फ्लो और आइडियल फ्लूइड फ्लो का जो टॉपिक था उसमें हमने कुछ कुछ जो काइनेमैटिक्स के टर्म्स थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, उसको मैंने रिपीट किया था. अगर वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए होंगे तो आप जो हमारा लास्ट वीडियो है, जो लास्ट मॉड्यूल है हमारा फ्लूइड काइनेमैटिक्स का, वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए. आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे बने बेल आइकन के सिंबल को जरूर दबाइए. मेरे और मेरे गेट एकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.